अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस पढ़ेंगे और ये टेंसेस जो हैं वो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन उर्दू के जुमलों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने को कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए पहले आपको टेंसेस समझना है। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस यानी ज़माना। तीन किस्म के ज़माने होते हैं, एक पास्ट जो हो चुका है, एक प्रेजेंट जो अभी हो रहा है राइट नाउ, और एक फ्यूचर जो आगे होने वाला है, ठीक है। तो पास्ट जो है फिर वो चार में डिवाइड होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर भी है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने एक दफ़ा लिखा है, आप इन दोनों के नीचे भी इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये पार्ट्स इनके भी हैं, प्रेजेंट के भी और ये फ्यूचर के भी हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी टेंसेस ट्रांसलेशन करना प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, यानी सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें तीन चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो जुमले में काम कर रहा होता है, वर्ड जो काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मौजूद हो, सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर मौजूद होने चाहिए। ऑब्जेक्ट का इतना वो नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे, अब जैसे एक जुमला है आई ईट, अच्छा वर्ड की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ड की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, ठीक है, आई ईट एन एप्पल। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ड जो काम हो रहा है, और एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट जिसका काम, जिस पर काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? आई तो वो सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है? ईट यानी वो वर्ब है, और क्या काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है? एप्पल को खाने का काम हो रहा है, तो एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो जुमले में आता है वो कहलाता है प्रेजेंट सिंपल। क्या कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब आपको उर्दू में जुमला पता कैसे लगेगा कि ये जो है वो, अब आपको स्ट्रक्चर ये जो है ना ये उतार लेना है अपनी कॉपी पे, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि उर्दू में ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है? जैसे रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन वो काम जो रोज हो रहा होता है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन यानी वो काम जो कि रोज हो रहा होता है, जैसे अब्बू अखबार पढ़ते हैं, या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है। ये तीन सेंटेंसेस हैं, और इन तीनों सेंटेंसेस को जब आप बोल रहे हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि ये रिपीटेड एक्शन है, यानी वो काम जो रोज हो रहा होता है। अब वो अखबार पढ़ते हैं, अब रोज अखबार पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, सूरज मशरिक से निकलता है, ये भी डेली का काम, यानी डेली रूटीन। रिपीटेड एक्शन या फिर डेली रूटीन जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल कहलाता है, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अब ये इंग्लिश कैसे बनेगी इसको देखें। फादर, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। फादर रीड न्यूज़पेपर, फादर रीड न्यूज़पेपर। लेकिन ये फादर रीड नहीं होगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। अब यहाँ पे एस
सब्जेक्ट में एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ यानी आप लोगों से, तो यू हैं आप लोग, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन है और यू क्या है? सेकंड पर्सन। मैं आपसे जिनके बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो अब्बू हो, चाहे वो सूरज, अच्छा ये तो इसको हटा दीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो मैं लिखा हुआ है, ठीक है? अब्बू अखबार पढ़ते हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, मैं आपसे किसी और की बात कर रही हूँ। सूरज मशरक से निकलता है, सूरज कुछ और है, ना सूरज मैं हूँ ना आप है, ठीक है? सूरज थर्ड पर्सन है, ठीक? फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू। उसके अलावा जितनी भी है, जितना भी जो भी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन, या किसी का नाम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो आयशा, आयशा, आयशा गाना गाती है, ठीक है? आयशा गाना गाती है। आयशा क्या है? मैं आपसे, मैं यानी फर्स्ट पर्सन आपसे यानी सेकंड पर्सन से आयशा की बात कर रही हूँ, तो आयशा क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है? आयशा क्या है? थर्ड पर्सन। तो जब भी जुमले के अंदर थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है, तो वहां पे क्या लग जाता है? वर्ड के साथ एस लग जाता है। जैसे ये हो जाएगा सन, निकलने की इंग्लिश क्या होती है? सूरज के मशरक से निकलने की इंग्लिश होती है राइज। मैं लिखूंगी राइज, सन राइज फ्रॉम ईस्ट, सन राइज फ्रॉम ईस्ट। लेकिन ये राइज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? राइजेज, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में एस लग जाएगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि सूरज क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक? आयशा गाना गाती है, आयशा सिंग अ सॉन्ग, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंग के साथ एस लग जाएगा, क्योंकि आयशा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक है ना आयशा, सूरज भी एक है, अब्बू भी एक है। लेकिन अगर जुमला, अब मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे मैं आई गो टू स्कूल लिखूंगी, यहाँ पे मैं गोज नहीं लिखूंगी, एस नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं एस लगाऊंगी? क्योंकि ये क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कभी भी एस नहीं लगता है वर्ब के साथ, ठीक है? ना आई में लगता है, ना यू में लगता है, ठीक है? सिर्फ थर्ड पर्सन में लगता है, और थर्ड पर्सन भी अगर सिंगुलर होता है। अगर जुमला आपके पास हो, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? अब जैसे यहां पर है आयशा, आयशा और फातिमा खेलते हैं, ठीक है? आयशा एंड फातिमा, क्या आएगा यहाँ पे? प्लेस, यहाँ प्लेस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे आयशा और फातिमा दो लड़कियों की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। ये क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है? तो यहाँ पर हम प्ले ही रहने देंगे इसको, आयशा एंड फातिमा प्ले, ठीक है? यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। और रिपीटेड एक्शन वाले जुमलों में देखिए, मैंने यहाँ पे इज आर एम नहीं लिखा है, तो प्लीज आप रिपीटेड एक्शन वाले जुमलों में इज आर एम भी नहीं लगाइएगा, ठीक है? आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। आप जो मैंने आपको टेंसेस का चार्ट बनवाया था वो पर लिख लीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल का ये फॉर्मूला है, ये लिखिएगा।